हाय व्यूअर्स, मैं आपके सामने आज कम्फ्रन अमरन कंट्रोल पैनल लेके हाजिर हूँ। यूट्यूब में पहली बार मैं अपलोड करने वाला हूँ और कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो क्रोमटन के ऊपर कोई वीडियो अपलोड किया है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है मोटर को ऑन करने के बाद ओवरलोड और ड्राई रन दिखा रहा है और 2-3 सेकंड के बाद ड्राई रन और ओवरलोड हो के साथ साथ फॉल्ट दिखा रहा है। तो ये फुली डिजिटल कंट्रोल पैनल है, तो इसको कुछ प्रोग्रामेबल सेटिंग किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसको क्या करना है, पावर बंद रखना है और ग्रीन बटन जो मतलब स्टार्ट जो बटन है उसको पुश करके पावर देना है। तो उसको पुश करके पावर देने के टाइम वो रीसेट हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम जो सेट किया है हुआ है उसको रिस्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने पुश किया, पावर दिया, TST ऑन हो गया, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसा करके रीसेट हो गया और एम्प क्या दिखा रहा है। अभी एक बार रेड बटन को पुश करने के बाद ऑफ हो गया, दोबारा पुश करने के बाद वोल्टेज शो करेगा, तो ऐसा होगा। तो एक बार ऐसे करना है, फिर पावर को अप करना है। पावर को अप करने के बाद रेड और ग्रीन इसको दबा के पावर देने के बाद कुछ सेटिंग आएगा, और उससे पहले और एक बार ऑफ स्विच को पुश करके पावर देना है। तो क्या आया, कल मतलब जब मोटर लगा रहेगा तब उसका जो एम्पियर रेटिंग है वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा और आप के आपको पैनल पे दिखाएगा कितना एम्पियर ले रहा है। ऐसा कल हो के वो ACP होगा, ACP मतलब एक्सेप्ट हो गया। फिर वोल्टेज जो अभी का है तो वोल्टेज भी दिखाएगा, फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ACP हो गया। इसके बाद मिनिमम जो वोल्टेज है, ड्रॉपिंग वोल्टेज है, और ड्रॉपिंग वोल्टेज भी एक्सेप्ट करेगा, फिर रिस्टार्ट होगा। देखिए दोस्त, ये रिस्टार्ट हो गया। तो अभी 230 वोल्टेज है ये कंट्रोल पैनल के डिस्प्ले में, और मेरा एक डिजिटल वोल्ट मीटर है वहाँ पे भी वोल्टेज देखिए 220 है, सॉरी 224 है, यहाँ पे 222, मतलब 2-3 इधर उधर हो सकता है वो। ठीक है, ये दूसरा सेटिंग हो गया। तीसरा जो सेटिंग है फाइनल, उसको पावर अप कर दिया, रेड और ग्रीन दोनों को पुश करके पावर देना है। RST दिखाएगा, यहाँ पे RST दिखाएगा, तो छोड़ दिया मैंने, हो गया। अभी क्या दिखा रहा है, ड्राई रन और पंप ऑन, मतलब पंप फॉल्ट दिखा रहा है, मतलब अभी भी सही नहीं हुआ है। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, देखिए मैंने मोटर को स्टार्ट किया, ऑन दिखा रहा है, ओवरलोड और ड्राई रन दिखा रहा है, मतलब के अभी ये बंद हो जाएगा, फॉल्ट दिखा रहा है और बंद हो जाएगा। तो इसको करने के लिए पहले पावर को ऑफ करना है, RST आ जाएगा, दोनों बटन को पुश करके कल आ जाएगा, कल आके एम्पियर दिखाएगा, ये एम्पियर दिखाया 0.6 एम्पियर, एक्सेप्ट हो गया। अभी वोल्टेज दिखाया, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होके रिस्टार्ट हो गया। फिर मैंने मोटर को ऑन करता हूँ,
देखिए दोस्त, यहाँ के पंप ऑन का जो लाइट है ये ग्लो कर रहा है, और उसके साथ साथ एक बार एम्पियर एक बार वोल्ट दिखाएगा, एक बार वोल्ट एक बार एम्पियर दिखाएगा। यहाँ पे देखिए ओवरलोड, हाई वोल्टेज, ड्राई रन, लो वोल्ट कुछ भी नहीं दिखाएगा। टाइमर दिखा सकता है अगर आपका टाइमर सेटिंग किया हुआ है तो, लेकिन मेरा टाइमर जो है वो ऑफ किया हुआ है। तो ये हो गया। अगर आपको ड्राई रन का, हाई वोल्टेज का, लो वोल्टेज का, ओवरलोड का कुछ सेटिंग चेंज करना है तो आपको क्या करना है, पावर ऑफ करके पावर ऑफ कर दिया था मैंने। फिर एक बार पावर ऑन किया, ये स्टैंड बाई मोड पे है, मतलब अभी मोटर बंद है। तो उस टाइम ऑफ स्विच को लगभग 10 सेकेंड प्रेस करके रखना है। देखिए मैंने प्रेस किया, चारों उंगली खुली हुई है और एक एक उंगली रेड बटन पे पुश किया हुआ है तो सेट आया। तो देखिए एक पहला सेटिंग आएगा, इसका आने के बाद ग्रीन बटन के द्वारा ओके करना है। ओके किया मैंने, ये टाइमर ऑफ है, इसको ऑन भी कर सकता है, मतलब ये टाइम है 720-712 मिनट मैंने, लेकिन मुझे ऑफ करना है क्योंकि मुझे टाइमर नहीं चाहिए। ऑफ हो गया, इसको प्रोग्राम अपलोड होगा, मतलब लोडिंग हो जाएगा कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली। एक्सेप्ट हो गया, अभी आया हाई भी, मतलब हाई वोल्टेज का ऑप्शन है, तो ग्रीन बटन के द्वारा इसको ओके करना है। ओके किया, 260 वोल्टेज पे हाई वोल्टेज मैंने सेट किया है। आप चाहे तो इसको 240 में, 250 में कोई भी है, मतलब जितना सेट करेंगे आप से ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा इनपुट पे तो आपका मोटर बंद हो जाएगा। तो मैंने 260 पे किया, 250 करता हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम लोडिंग हो रहा है, अभी लोड हो जाएगा, एक्सेप्ट हो गया, मतलब लोड हो गया। अभी आया लो वोल्टेज, LOV, मतलब लो वोल्टेज। तो नेक्स्ट ग्रीन स्विच के द्वारा ओके करना है। लो वोल्टेज मैंने 150 वोल्टेज में सेट किया हूँ, क्योंकि मिनिमम 150 वोल्ट होगा तब मोटर चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। चाहे तो आपको इसको ज़्यादा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, ये एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद OLT, ओवरलोड टाइम 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप कुछ भी टाइम सेट कर सकते हैं रेड और बॉटम को प्रेस करके, आगे पीछे करके। तो मैंने 15 सेकंड किया। DRT, ड्राई रन टाइम, ड्राई रन टाइम मैंने 30 सेकंड किया। ये क्या होता है, जब बोर में पानी का स्टॉक नहीं रहेगा तब मोटर ड्राई हो सकता है, तो उसकी टाइम वो लगभग 30 सेकंड ड्राई रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब ओवरलोड का ऑप्शन है ये। तो मैंने ओके किया, मैंने यहाँ पे 130 मिनिमम कितना है देखिए, 110 से 150, तो 110 पे ही कर सकते हैं आप, 150 भी कर सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा ओवरलोड होगा तो आपका बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने 110 पे सेट किया, नेक्स्ट आया DRP, ड्राई रन जो होता है वो टाइम उसका, तो 70 किया।
ये प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया। फिर आया फॉल्ट, फॉल्ट के टाइम एक बार ग्रीन स्विच को पुश करके ओके करना होगा, ओके किया मैंने। अभी ब्लैंक दिखा रहा है, मतलब तीनों डॉट दिखा रहा है, तब दोबारा एक ग्रीन स्विच को पुश करना है। एक बार एफ ऑन आया, एफ ऑन आने के बाद कुछ टाइम ब्लिंक होके होके वो प्रोग्राम एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो गया। फिर आया ESC, उसके बाद आपको ग्रीन स्विच के द्वारा ओके करना है, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद ये मोटर का जो कंट्रोल पैनल का जो सेटिंग है इंटरनल, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको आप मोटर चला सकते हैं। ऑन किया, अभी पंप ऑन दिखा रहा है और ओवरलोड दिखा रहा है। तो इस टाइम ओवरलोड दिखा रहा है और आउटपुट दे रहा है या नहीं मैं देखता हूँ। देखिए आउटपुट नहीं दिया, ओवरलोड दिखा रहा है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, एक बार पावर को ऑफ करना है, दोनों स्विच को एक साथ पुश करना है, कुछ टाइम होल्ड करके रखना है, कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद उसका जो एम्पियर का रेटिंग है वो सेंस करेगा, सेंस करने के बाद वो एक्सेप्ट होके रिस्टार्ट हो जाएगा। हो गया, तो एक बार मोटर को ऑन करता हूँ। ऑन हो गया, पंप ऑन ब्लिंक कर रहा है, एम्पियर एक बार दिखा रहा है, एक बार वोल्ट दिखाएगा, दिखाया और एक बार एम्पियर दिखाएगा और एक बार वोल्ट दिखाएगा। तो जब तक आपका मोटर ऑन रहेगा तब तक वोल्ट एम्पियर दोनों दिखाएगा कुछ सेकंड बाद। तो ये मेरा सेटिंग जो है एक कंप्लीट हो गया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर मेरा चैनल को आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सेटिंग समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार मैंने शेयर किया। कोई भी ऐसा चैनल मैंने नहीं देखा जो ये क्रॉम्पटन के ऊपर कोई वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।